चलिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अब आते हैं एंटीबायोटिक्स पे। सबसे पहली चीज हम आपको बता दें, एंटीबायोटिक इसका मतलब क्या है। ये दो वर्ड से मिलके बना है, एंटी प्लस बायोटिक्स। एंटी मींस अगेंस्ट, एंटी मींस अगेंस्ट एंड बायोटिक्स मींस लाइफ। तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट ऑफ लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब है अगेंस्ट ऑफ लाइफ। तो देखिए क्या है, एंटीबायोटिक वो केमिकल है जो एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होंगे, एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म को, मार देंगे। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देंगे, तो इन्हें कहते हैं हम एंटीबायोटिक्स। लाइफ के अगेंस्ट, ये आपके दूसरा ऑर्गेनिज्म लाइफ हुई, इसके अगेंस्ट इसको मारने का काम कर रहे हैं। तो एक लिविंग बींग के द्वारा प्रोड्यूस होंगे और दूसरे लिविंग बींग की ग्रोथ को रोक देंगे, उसे मार देंगे, उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो टर्म है वो दिया था हमारे बॉकमैन साइंटिस्ट ने, और सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड हुई थी वो थी आपकी पेनिसिलिन। वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी वो थी पेनिसिलिन, और इसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी पेनिसिलिन, और इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब ये कैसे डिस्कवरी हुई वो देखिए। सबसे पहली चीज, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके एक बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, कुछ कुछ वर्क कर रहे थे। ये था स्टेफाइलोकोकस, एक बैक्टीरिया था। स्टेफाइलोकोकाई एक बैक्टीरिया था। इस पे आपके ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहीं पे पास में एक फंगस रखी थी, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, जहां पे ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहीं पे पास में एक फंगस रखी थी, पेनिसिलियम नोटेटम। तो उन्होंने देखा जैसे ही ये बैक्टीरिया इस फंगस के पास जाते, आपके डाई हो जाते, मर जाते। इसके मतलब इस फंगस में कोई ऐसा केमिकल है जो आपके इन बैक्टीरिया को मारने में हेल्प कर रहा है। तो उन्होंने इस फंगस से जो केमिकल निकाला था वो क्या था, आपके पेनिसिलिन। वो आपके पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हो गई। तो इस फंगस से निकाली गई पेनिसिलिन जो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, उन्हें मारने के लिए यूज की जा रही है। तो इस तरीके से सबसे पहली एंटीबायोटिक आपकी कौन सी थी, पेनिसिलिन, जिसे किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बाद में आपके और एंटीबायोटिक्स आपके डिस्कवर्ड हुई, लेकिन सबसे पहली ये थी, और इसका यूज आपके एंटीबैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थी आपकी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी। तो एंटीबायोटिक की आपके किससे मिल रही है, माइक्रोब से। तो इसको नाम जो दिया था एंटीबायोटिक, वो दिया था हमारे बॉक्समैन ने,
1942 में, लेकिन सबसे पहले पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इससे कैसे डिस्कवर किया था, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करते समय उन्होंने देखा पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से आपके कुछ ऐसा केमिकल निकल रहा है जो बैक्टीरिया को मार रहा है, और इसी से आपके डिस्कवर हुई थी पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब देखिए इस पेनिसिलिन का सबसे ज्यादा यूज, एक्सेसिव यूज कब किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके अमेरिकन सोल्जर्स जो आपके इंजर्ड हुए थे उनके लिए सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज किया गया था, जिससे उन्हें बहुत आराम मिला था, बहुत जल्दी रिकवरी हो गई थी। तो इसलिए आपके ये आपके सबसे पहले किसने देखा था उन्होंने कि इसका यूज जो है आपके चेन एंड फ्लोरी ने आपके सबसे पहले अमेरिकन सोल्जर्स में किया था। किसने किया था, चेन एंड फ्लोरी ने, चेन एंड फ्लोरी ने, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। चेन और फ्लोरी ने सबसे पहले इस एंटीबायोटिक का यूज अमेरिकन सोल्जर्स के लिए किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। जो अमेरिकन सोल्जर्स आपके इंजर्ड हुए थे उनके लिए इस एंटीबायोटिक का यूज किया गया था आपके, और इसके लिए चेन एंड फ्लोरी को नोबेल प्राइज मिला था। तो आजकल मिलियन नंबर्स में आपके पीपल इसे यूज कर रहे हैं आपके एंटीबायोटिक्स को डिफरेंट टाइप की डेडली डिजीज के क्योर के लिए। जैसे बहुत टाइप की डेडली डिजीज है, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलघोटू जिसे कहते हैं, वूपिंग कफ, लिप्रोसी जिसे कोर कहते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जर्म्स को मारने के लिए आपके डिफरेंट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुए। तो ये थी आपके एंटीबायोटिक जो कि हमें सबसे पहले माइक्रोब से ही मिली थी, और इसे माइक्रोब से ही ऑब्टेन करते हैं। तो कौन कौन से मेंबर है जिनसे एंटीबायोटिक निकाली जाती है, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर, यू बैक्टीरिया और कुछ फंगस, इन सब से आपके आपकी क्या निकाली जाती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन ऑब्टेन की जाती है। तो ये आपके एंटीबायोटिक क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन को ग्रो करने से रोक देते हैं और फिर उसे मार देते हैं। तो इस तरीके से ये क्योर करने में हेल्प करते हैं। जो अच्छी क्वालिटी की एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो आपकी होस्ट की सेल को नुकसान नहीं पहुंचाती, केवल उन्हीं को मारेंगी जिसके लिए ये ली गई है। तो इनकी जो यूज है वो इनकी पोटेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो अच्छी एंटीबायोटिक आपके कभी भी होस्ट की खुद की सेल को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो एंटीबायोटिक का यूज डॉक्टर से पूछ के करना चाहिए, और अच्छी एंटीबायोटिक का पूरा डोज लेना चाहिए। अगर बीच में छोड़ते हैं तो उसके फिर हार्मफुल या साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर से पूरा डोज लेते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि हमें डिजीज से राहत मिलती है। तो ये थी आपके एंटीबायोटिक टू सेवरल डिजीज, स्किन डिजीज, आपके खांसी, इन सब के लिए, आपका अस्थमा, इन सब के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। तो ये थी आपके एंटीबायोटिक जो आपके माइक्रोब से ही ऑब्टेन होती है, और इसका यूज लिविंग बींग्स में किया जाता है। तो देखिए आपके बायो मॉलिक्यूल का, आपके बायो एंटीबायोटिक्स का यूज आपके काफी सारे केमिकल केमिकल एंजाइम्स और बायो और एंजाइम्स और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, मतलब केमिकल एंजाइम्स और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है किन माइक्रोब्स से
कौन कौन से एसिड या एंजाइम्स वगैरह ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरीके से देखिए, इसके लिए एक चार्ट बना लेंगे और चार्ट के हिसाब से आप इसे याद करेंगे, याद करके परमानेंटली दिमाग में बिठाना है। अब जैसे आपने सिट्रिक एसिड सुना होगा, सिट्रिक एसिड किससे ऑब्टेन होता है? एस्परजिलस नाइगर फंगस से। ये आपके एस्परजिलस नाइगर फंगस से ये ऑब्टेन होता है सिट्रिक एसिड। इसको तो आपने वैसे ही सुना होगा कि आपके चार वगैरह डालने में, इन सब में आपका सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसे हम पानी मिला देंगे तो ये विनेगर कहलाएगा। सिरका सभी जानते होंगे, विनेगर। तो एसिटिक एसिड बनाने में आपके किसका यूज किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया का, एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया का यूज किया जाता है एसिटिक एसिड बनाने के लिए। भाई आपके जैसे गन्ने से, इन सब से अपन जो विनेगर बनाते हैं इनमें एसिटिक एसिड होता है, और ये एसिटिक एसिड बनाने में किस बैक्टीरिया का यूज किया जाएगा? एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया का। ठीक है, फिर आ जाइए आपके ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड जो है आपके एक तरीके क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम के द्वारा ऑब्टेन होता है। ये हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। ये आपके क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये आपके जो बैक्टीरिया है ये फूड पॉइजनिंग करता है। ठीक है, दूसरी चीज आपके क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ये आपके ब्यूट्रिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है। फिर आ जाइए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो दही में होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई बैक्टीरिया, इसे दूध से दही बनाने में यूज किया जाता है। फिर इथेनॉल, इथेनॉल बनाने में ईस्ट, कौन सी? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी ईस्ट का यूज किया जाता है। तो आपको ऐसे चार्ट बनाना है और चार्ट के हिसाब से रखना है। सिट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, मतलब आपके ज्यादा प्रोडक्शन के लिए इन सब माइक्रोब्स का यूज करते हैं। एसिटिक एसिड के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई, ब्यूट्रिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, इथेनॉल ईस्ट से ऑब्टेन होता है, फर्मेंट ईस्ट के फर्मेंटेशन से बनता है। तो ये आपके ईस्ट के फर्मेंटेशन, और ईस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी ईस्ट। ये नाम और इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखिएगा कि सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी ईस्ट जो आपके बेकर ईस्ट भी है और ब्यूअर ईस्ट भी है। ब्यूअर जो बीवरेजेस इथेनॉल बनाने में यूज होगी, और बेकर जो बेकरी इंडस्ट्री में यूज होती है। तो ये आपके दोनों है। तो ये थे आपके कुछ अल्कोहल या एसिड जो इन माइक्रोब से मिलते हैं। ये चार्ट बनाएंगे आप। अब देखिए कुछ एंजाइम्स हैं जिनका यूज किया जाता, जो आपके माइक्रोब से मिलते हैं, और उनका एंजाइम का यूज कैसे किया जाता है। देखिए हमारे घरेलू आइटम में भी काफी एंजाइम ऐसे यूज रहते हैं जिनका हम अपने लाइफ, अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या है? एक्चुअली ये आपके डिटर्जेंट वगैरह में यूज होता है। लाइपेज एंजाइम डिटर्जेंट जब बनाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर या सोप, उनके फॉर्मूला में यूज किया जाता है लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज एंजाइम लॉन्ड्री में स्ट्रेन हटाने के लिए, स्ट्रेन मतलब दाग पड़ जाता है ना चिकनाई का, उस चिकनाई के दाग को हटाने के लिए लॉन्ड्री में यूज करते हैं आपके ये लाइपेज एंजाइम का। तो ये लाइपेज एंजाइम लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज में, ये आपके किस किस में यूज हो रही है? आपके लॉन्ड्री,
जितने भी आपके डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, इन सब में यूज हो रहा है। दूसरी चीज, ये आपके लॉन्ड्री के कपड़े से स्टेन हटाने के लिए, दाग हटाने के लिए भी ये एंजाइम यूज किया जाता है। मान लीजिए ये कपड़ा है, इसमें ये तेल का दाग लग गया, अब तेल है तो ये आपके क्या हुआ, तेल लिपिड हुआ ऑयल, तो ये लाइपेज एंजाइम से ही हटेगा। तो जब हम साबुन लगाते हैं तो तेल का दाग हट जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें लाइपेज एंजाइम है, वो एंजाइम इस वो लिपिड के दाग को डाइजेस्ट कर देगा और ये एंजाइम यहाँ से हट जाएगा। तो ये हुआ आपके माइक्रोब्स में, सबसे पहले आपके लाइपेज, फिर आ जाइए पेक्टिनेज और प्रोपिएज। पेक्टिनेज एंड प्रोपिएज, हो जाएगा पेक्टिनेज और प्रोटीएज। पेक्टिनेज और प्रोटीएज, ये आपको मालूम है कि जब आप किसी भी चीज का फ्रूट का जूस निकालते हैं तो उस जूस में कुछ फाइबर फाइबर से आ जाते हैं, प्रोटीन के बने फाइबर, तो इन फाइबर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम। तो आपने देखा होगा घर में तो अपन जनरली इन एंजाइम का यूज नहीं करते, तो घर का जो जूस होता है वो थोड़ा सा फाइब्रस होता है, पर बोतल में जो जूस आता है बाहर से वो बिल्कुल क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि बोतल के जूस में लाइपेज एंजाइम पड़ा है और ये लाइपेज एंजाइम वाटर में प्रेजेंट आपके किसी भी फैटी चीज को, चिकनाई वाली चीज को, फैटी चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, व्हाई द बॉटल जूस आर सो क्लियर देन द जूस फॉर्म इन द हाउस। तो जो घर में बना रहे हैं वो जूस इतना क्लियर नहीं होता, जो बॉटल में आपके जूस आता है वो क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके प्रोटीएज और पेक्टिनेज एंजाइम बढ़े रहते हैं जो उसके फाइबर्स और मटीरियल को डाइजेस्ट कर देंगे, जिससे कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपके प्रोटीएज और पेक्टिनेज। फिर आइए स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है ये आपके एंटी कोगुलेशन का काम करता है। किसका? एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट का काम करता है। ये क्या होता है एंटी कोगुलेंट? देखिए कभी कभी क्या होता है कि अपने अंदर मान लीजिए कोई क्लॉट आ गया है, कोई भी ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट आ गया है, ये इस क्लॉट को बस्ट करने के लिए जनरली आपके स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज किया जाता है। अब जैसे आपने सुना होगा बाईपास सर्जरी होती है कब? जब हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ना मिले। और किस कारण से? मान लीजिए हार्ट की मसल्स में कोई क्लॉटिंग आ जाए, इस क्लॉटिंग आने से पीछे वाला ब्लड आगे फ्लो होने से रुक जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो है इसका यूज किया जाता है, क्लॉट को बस्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज का। ठीक, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो आपके किसके लिए यूज हो रहा है, क्लॉट बस्टर के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, ये एंटी कोगुलेशन में है। आइए कुछ आपके बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिनका यूज आपके मेडिकल में किया जाता है, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, ये आपके बायो एक्टिव मॉलिक्यूल एक फंगस से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इस फंगस से ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मिलता है। और इस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का यूज इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में किया जाता है। किसके फॉर्म में? इम्यूनो
सप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में किया जाता है। देखिए, जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा हो, मान लीजिए ये डोनर है, इसकी किडनी किसी रिसिपिएंट में लगाई जा रही है, तो ये आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो रेसिपिएंट में किसी दूसरे डोनर का ऑर्गन जा रहा है, तो इस ऑर्गन में कुछ एंटीजन भी होंगे। इसका मतलब इस एंटीजन के लिए रेसिपिएंट की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगे और वो इसके ऑर्गन को मार देंगे। तो ये एंटीबॉडीज कौन बना रहा है? हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। मतलब जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन हमारे अंदर आए, तो हमारी बॉडी क्या समझेगी कि दुश्मन आ गया, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, और ये एंटीबॉडीज उस ऑर्गन को मार देंगे, तो ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा। तो उस समय इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का यूज किया जाता है रेसिपिएंट की बॉडी में। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इसमें डालेंगे जिससे कि ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, इनएक्टिव कर देगा कि वो इस ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बनाए। तो इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है, और ये साइक्लोस्पोरिन ए इस फंगस से मिलती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्लियर है बेटा? तो ये थी आपकी साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट है आपकी स्टेटिन। क्या चाहिए? स्टेटिन ये आपका एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो मोनस्कस परपुरिया फंगस से मिलता है। किससे? मोनस्कस परपुरियस फंगस से मिलता है। मोनस्कस परपुरियस फंगस से इसे ऑब्टेन करते हैं, और इसका यूज किया जाता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए स्टेटिन का यूज किया जाता है। आप लोग ने सुना होगा किसी किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से हार्ट को हार्म है, कहीं ब्लड वेसल्स पे जम जाए तो वो क्लॉटिंग हो सकती है, लीकेज हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है। तो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड से रिड्यूस करने के लिए स्टेटिन ड्रग का यूज किया जाता है, और ये ड्रग किससे मिलती है? मोनस्कस परपुरियस फंगस से मिलती है। तो ये थे आपके बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जिनका आपका मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है।